हेलो बच्चों, मैं सोनू जहांगीर आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ कक्षा 3 का पाठ 5। विवेकी हंस। एक बार प्राचीन समय की बात है, भारत में एक नगर में कपिलवस्तु नाम की एक नगरी थी, जहाँ राजा शुद्धोधन राज किया करते थे। राजा शुद्धोधन के एक बेटा था जिनका नाम था सिद्धार्थ। आज हम सिद्धार्थ के बारे में ही एक कहानी प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम जब कोई प्ले देखते हैं या कोई नाटक वगैरह देखते हैं तो उसमें एक सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन इस तरह से चलता है। तो उसी तरह से हम आज पहला सीन यानी पहला दृश्य हम देखेंगे। राजकुमार जो सिद्धार्थ थे वो बगीचे में घूमते हुए घूम रहे थे। शाम के समय था, बगीचे में वो घूम रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं, आहा कितनी ठंडी हवा चल रही है, चारों ओर हरियाली कितनी सुखद है। सुखद यानी सुख देने वाली, चारों ओर कितनी सुख देने वाली हरियाली है। फूलों की सुगंध से पूरा बगीचा महक रहा है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा है। तभी वहां क्या देखते हैं वो कि एक घायल हंस आकर आसमान से नीचे गिरा। सिद्धार्थ उसके पास पहुंचते हैं और उसे उठाते हैं। जब राजकुमार सिद्धार्थ क्या कर रहे थे, बगीचे में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो बगीचे की ठंडी हवाएं चल रही थी और वो फूलों की खुशबू महक रही थी। तो वो अचानक से क्या देखते हैं कि आकाश से एक हंस आकर जमीन पे गिरता है और राजकुमार सिद्धार्थ उन्हें हंस को उठाते हुए, सिद्धार्थ कहते हैं, अरे यह क्या, इसका शरीर तो बाण से बिंधा हुआ है। मतलब उसके बाण लग गया था तो बाण से बिंधा हुआ है। कितना लहू बह रहा है, कितना खून बह रहा है उसे हंस के। पहले मैं इसका घाव साफ करता हूँ। हंस ने क्या कहा, सिद्धार्थ ने कहा, अरे यह क्या, इसका शरीर तो बाण से बिंधा हुआ है और कितना खून इसमें बह रहा है, पहले मैं इसे साफ करता हूँ। फिर वो कहते हैं, बाण को निकालकर घाव साफ करते हैं। फिर कहते हैं कि पीछे से उन्हें आवाज आती है, कहाँ गया मेरा हंस। राजकुमार सिद्धार्थ को पीछे से आवाज आती है, कहते हैं कि आवाज आती है कि कहाँ गया, कि पीछे से आवाज आती है और मेरा हंस कहाँ गया। फिर वहां देवदत्त आता है। देवदत्त कौन है, देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई हैं। देवदत्त कहते हैं, सिद्धार्थ यह मेरा हंस है, इसे तुम मुझे दे दो। फिर सिद्धार्थ कहते हैं, यह तुम्हारा हंस कैसे हो सकता है, इसे तो मैंने बचाया है। सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि यह तो मेरा हंस है, इसे मैंने बचाया है, इसकी जान मैंने बचाई है। देवदत्त कहते हैं, लेकिन इसे मारा तो मैंने है, इसलिए यह हंस मेरा है, इसलिए मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। सिद्धार्थ क्या कहते हैं कि मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। देवदत्त कहते हैं, अधिकार वगैरह मैं नहीं जानता, मुझे तो ये हंस चाहिए और ये मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, मैं ये हंस तुम्हें नहीं दे सकता। देवदत्त, क्या कहा तुमने, नहीं दोगे तो फिर आ जाओ मैदान में। वो झगड़ने के लिए, देवदत्त जो है वो झगड़ने के लिए तैयार हो गए कि आप आ जाओ मैदान में, मेरा सामना करो। तभी वहां पर मंत्री आते हैं और उन्हें झगड़ने से रोकते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, मंत्री जी को सारी बात समझाते हैं और कहते हैं कि आप ही बताइए मंत्री जी, ये हंस किसका हुआ।
सिद्धार्थ जो है वो सारी बात मंत्री जी को बताते हैं और कहते हैं कि आप ही बताइए कि यह हंस किसका हुआ। मंत्री, इसका निर्णय तो राज दरबार में ही किया जाएगा। मंत्री दोनों को राज दरबार में लेकर जाते हैं। देखिए बच्चों, ये हुआ एक दृश्य। अब हम दूसरे दृश्य पे चलते हैं और पढ़ते हैं। राजा शुद्धोधन के दरबार में मंत्री जी उन दोनों को लेकर जाते हैं और राजा से मंत्री जी कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, सारी घटना समझाते हुए अब आप ही निर्णय कीजिए कि हंस किसका है। मंत्री जी राजा को क्या कहते हैं कि महाराज की जय हो, और मंत्री जी उन्हें सारी बात राजा को समझाते हैं और फिर कहते हैं कि अब आप ही इसका निर्णय कीजिए कि ये हंस किसका है। राजा, दोनों राजकुमारों के बीच हंस को रख दीजिए। राजा ने क्या कहा कि राजा ने कहा कि तुम तो हंस को बीच में रख दीजिए। राजा, दोनों राजकुमारों के बीच हंस को रख दीजिए, वह स्वयं ही पात्र चुन लेगा। राजा कहते हैं कि तुम दोनों राजकुमार एक इधर खड़े हो जाओ और एक साइड में इधर। तो बीच में हंस को वो रखने के लिए कहते हैं। हंस को बीच में छोड़ दिया जाता है और वह धीरे धीरे सिद्धार्थ के पास चला जाता है। मंत्री जी, देखिए महाराज, निरक्षीर विवेकी हंस ने स्वयं ही निर्णय कर लिया, वह तो सिद्धार्थ के पास चला गया। देखिए बच्चों, अभी निरक्षीर विवेकी ये क्या है? निरक्षीर विवेकी हंस यह जानता है कि दूध और पानी के बीच का जो भेद है वो जानता है। हंस जानता है कि दूध में और पानी में बीच का जो भेद होता है वो समझता है। राजा राजा कहते हैं, हंस सिद्धार्थ का हुआ। सिद्धार्थ का कैसे हुआ? क्योंकि वो चल के खुद ही सिद्धार्थ के पास चला गया। सभी लोग कहते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिद्धार्थ हंस को उठाकर चला जाता है। अतः हंस के व्यवहार ने यह बता दिया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, यह हमने इस पाठ में पढ़ लिया, समझ लिया। और सिद्धार्थ कौन थे? अब सिद्धार्थ जो थे वो बाद में अपना राजपाट छोड़कर गौतम बुद्ध संन्यास लेने के लिए चले गए थे, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। शब्द बोध, शब्दार्थ या कठिन शब्द। सुगंध, सुगंध यानी क्या होता है? खुशबू। लहू, लहू यानी रक्त या खून। अधिकार, अधिकार यानी हक। राज दरबार यानी राज्य सभा, राज्यसभा। सुखद, सुखद यानी सुख देने वाली या सुख देने वाला। निर्णय, निर्णय यानी फैसला। और पात्र यानी व्यक्ति। निरक्षीर विवेकी यानी कि समझदार, दूध और पानी का ज्ञान रखने वाला, जैसा कि हंस है। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्याकरण बोध, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाग में ठंडी हवा चल रही थी। इस वाक्य में ठंडी शब्द विशेषण है क्योंकि यह हवा के ठंडी होने की विशेषता बताती है। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए पात्रों के लिए उचित विशेषण का प्रयोग कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे तीन पिक्चर दिखाई गई है। इसमें क्या पता चलता है कि ये बालक है, इसके चेहरे पे
गुस्सा झलक झलक दिखाई दे रही है, गुस्से की झलक इस पे दिखाई दे रही है। तो ये इनमें से क्या हो सकता है? ये तीन शब्द दे रखे हैं, इनमें से ये क्या हो सकता है? क्रूर, क्रूर यानी गुस्सा इसमें झलक झलक रहा है, तो ये क्रूर हुआ। ये है हंस, हंस है तो ये क्या हुआ? नीर शीर विवेकी, जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा और शब्दार्थ में भी पढ़ा, पानी और दूध के बीच भेद जानने वाला। और ये महिला है, इसके चेहरे से दिखाई पड़ रहा है कि ये हसमुख है, तो ये क्या हुआ? दयालु, ये दयालु है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। तुकांत वाले शब्दों का मिलान कीजिए, यानी कि समान तुक, बोलने में समान लगे, समान स्वर आवाज दिखा सुनाई दे, उसे कहते हैं हम समान तुक वाले शब्द। जैसे ठंडी, अब ठंडी में इसमें क्या होगा? इसमें बड़ी की मात्रा और बोलने में भी आ रहा है ठंडी, तो इसका होगा मंडी। बोलने से ही पता चल रहा है कि ये है ठंडी और इधर इसमें होगा मंडी। नेक्स्ट है मंत्री, मंत्री में क्या होगा? संतरी। आगे है दरबार, दरबार के लिए किरदार। आगे है हंस, हंस में देखिए अंक की मात्रा लगी हुई है, तो बोलने में भी है कंस, हंस और कंस। ये हमने किए समान तुक वाले शब्द। आगे करते हैं, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए और शब्दों को दोबारा लिखिए। हमें अंक की मात्रा लगाकर, जैसे कि इसमें बता रखा है शंख, इसमें अंक की मात्रा लगी हुई है, तो अनुस्वार का प्रयोग करके हमें शब्द को दोबारा लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कघा, कघा इसमें लिखा हुआ है, तो हमें अनुस्वार लगाना है कंघा। आगे है कस, कंस, यहां दे रखा है हंस, हस, तो हमें लिखेंगे यहां पे हंस। आगे दे रखा है पंजाबी, तो हम लिखेंगे पंजाबी। यहां दे रखा है पखा, तो ये होगा पंखा। देखिए बच्चों, अब हम देख सकते हैं जो हमने अनुस्वार लगाए और इस तरह से हमने शब्द बनाया। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।